मसाले भी बता दूंगा बाबू जी के, लेकिन वो स्वाद नहीं ला पाओगे रोशन के हाथ वाला। क्यों? किस टेम्परेचर पे कितना पकाना है उसी हिसाब से कब टेस्ट वो चीज आएगी और फ्रेग्रेंस कैसे आएगी। ओ भाई साहब, वो चीज नहीं पकड़ पाओगे। यानी कि पकाने का भी और बनाने का एक टेम्परेचर और तरीका सबका अलग अलग अलग। ये सब आपने सीखा कहाँ से? सिंस 1998 जब मैं छोटा हुआ करता था तो पापा के साथ एक रेडी लगती थी हमारी, मतलब मंगलगार रोड पे ही, अंडे रोशन अंडे वाले नाम से। पापा ने मेरा नाम दिया था, अपना नाम नहीं दिया। अच्छा। मेरे नाम से चला रहे थे रेडी। तो पढ़ाई करते करते साथ, तो शाम को पापा के साथ खड़ा हो जाता था मैं, देखता था कि पापा किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में माल डालते हैं। तो उस हिसाब से देखते देखते सीखते सीखते फिर मैं दुकान संभालने लग गया। संभालते संभालते धीरे धीरे पापा ने बताया कि ये चीज़ क्वांटिटी ऐसे डलेगी, ऐसे बनेगा। टाइम लगता है सर कुछ सीखने में। ये क्या है जो अलग में रखा हुआ सबसे? ये पापा जाते जाते बोल गए थे, बेटा सब चीज बताना और सब चीज सिखाना, लेकिन जो अपने हाथ का हुनर है ना और जो अपने जायके वाले मसाले हैं इसके बारे में किसी को मत बताना। तो ये वही मसाला है क्या ये? जी जी, ये वही मसाला है। अरे वाह भाई साहब, क्या बात है, गजब यार, खुशबू आ रही है लाजवाब सी, और रंगत क्या मसाले की यार, एक बार चेक करो आप लोग। और पिताजी मना भी कर गए थे मत बताना? हाँ, मना कर गए। जैसे कि अभी पापा रहे नहीं, 2017 में उनका देहांत हो गया था, तो तब जाके मैंने इसी बीच में अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब पूरी करी, पढ़ाई पूरी करी। पापा जाते जाते यही बोल गए थे कि बेटा अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर तो गवर्नमेंट जॉब ही करना, अदरवाइज किसी की गुलामी मत करना, अपना काम बेटर है, अपने काम से ही अपनी पहचान बनाओ। अरे क्या बात है भाई साहब, मतलब ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप ये चिकन और सब और मछलियों से ये सब काम कर रहे हैं? सब 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 मोहब्बत पापा की देन। देखो, पापा के नक्शे कदम पर पापा ने पढ़ाया, माता जी ने पढ़ाया, अपनी मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी। साथ साथ मुझे ना किसी के अंडर काम करने में अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैंने 3 साल मैंने अंडर गवर्नमेंट काम करा है, अदरवाइज मैं फीलिंग वो वाली फीलिंग नहीं आई। अपना काम में जो मजा है वो किसी काम में किसी काम में नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया। और अपने जैसे फर्श से अर्श तक ये आगे सबसे कलेजी हो गई। ओ भाई साहब गजब यार, अब कितने प्लेट होगी भैया? ये 30 रुपये प्लेट होगी। टाइमिंग क्या आपने शॉप की? टाइमिंग शॉप की है 10 से लेकर रात के 11 बजे तक। ये माल कितने बजे रेडी मिल जाएगा? माल आपको मिल जाता है 12 बजे रेडी मिल जाता है, लेकिन संडे है और संडे मैं आराम से सोता हूँ इसलिए 12 बजे दुकान पे आता हूँ। अदर डेज आपको 12 बजे माल यहाँ तैयार मिल जाएगा सारा। संडे को देखो जी थका हुआ शरीर रहता है, अदर काम भी है, उसके बाद आराम से सोकर उठते हैं, 10 बजे दुकान खोलते हैं, फिर अपना माल तैयार करते हैं। ऐसे कह रहे हो ना संडे को जल्दी खोलना चाहिए मुझे, लेकिन शरीर को रेस्ट जरूरी है, रेस्ट करूंगा तभी बढ़िया चीज बनेगी। एक बार जो लोकेशन बता दो, यहाँ पे कोई आएगा तो कैसे आएगा आपके इस जबरदस्त वाले पोटे के लिए टेस्ट करने के लिए? हमारी लोकेशन है जहांगीरपुरी मंगलगढ़ रोड बिहाइंड मदर डेयरी के पीछे, A1 मार्केट है, A171 शॉप नंबर है, यहाँ पे आ सकते हैं। रोशन अंडे वाला एंड जनरल स्टोर के नाम से दुकान है, दिल्ली 1133।